सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म। इलेक्शन 8 अक्टूबर को करवाने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलदम। मामूली तब्दीली से इंतखाबी शेड्यूल बहाल। वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करने की हिदायत। आज का फैसला 3 जजेस के खिलाफ चार्जशीट है। इनके खिलाफ रेफरेंस दायर होना चाहिए। यह कैसे हो सकता है कि चीफ जस्टिस मुल्क का वजीर आजम, वजीर दफा, वजीर दाखिला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पार्लियामेंट बन जाए। नवाज शरीफ की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पार्लियामेंट को बेवकत, हुकूमत को मफलूज कर दिया गया। जिंदा रहना है तो पार्लियामेंट को मजाहमत करना होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बचा लें, खदशा है तख्त लाहौर की लड़ाई पूरे पाकिस्तान को ले डूबेगी। बिलावल भुट्टो का जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब। बोले स्टेक होल्डर्स होश के नाखुन लें, हमें जमहूरियत को बचाना है, कोई बदनीयती नहीं तो लार्जर बेंच बनाने में मसला क्या है। आज आयन और कानून जीत गया, माफिया हार गया। पूरी कौम चीफ जस्टिस को सलाम पेश करती है। इमरान खान ने कल यौम तशक्कर मनाने का ऐलान कर दिया, कहा इन्होंने माजी की तरह अदलिया पर हमले की कोशिश की तो कौम निकलेगी। और न्यूयॉर्क पुलिस ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हिरासत में ले लिया। ट्रंप ने अदालत में सरेंडर किया। 34 इल्जाम पर फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई जा रही है।